नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर पुलिस ने कार में घूम घूम कर क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 आईफोन मोबाइल, 15,500 रुपए नकद यूनाइटेड अरब अमीरात की करेंसी एवं बिना नंबर की क्रेटा कार जब्त की है। वहीं मामले में जानकारी देते हुए लाडगंज थाना प्रभारी प्रतीक्षा मार्को ने जानकारी देते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच और लाडगंज थाना पुलिस को विश्वसनीय मुख्य विशेष सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति काले रंग की बिना नंबर की क्रेटा कार में ऑनलाइन सट्टा खिला रहा है और लाडगंज थाना क्षेत्र के कचपुरा ब्रिज के पास खड़ा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा टीम बनाकर मौके पर दबिश दी गई, जहां पुलिस को देखकर चालक भागने का प्रयास करने लगा। जैसे ही घेराबंदी कर पकड़ा गया, जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम राज उर्फ राजेश परवानी बताया। तलाशी लेने पर व्हाट्सएप ग्रुप में 8 प्लेयर सट्टा खेलने वालों के नाम व्हाट्सएप चैट पर दिखाई दिए, जहां 22 फरवरी 2022 से 12 अक्टूबर 2023 तक क्रिकेट खिलाने के लिए प्लेयर्स को आदान प्रदान की गई थी, जिसके लेखा जोखा राजेश परवानी के पास से मिला है। वहीं राजेश परवानी ने पूछताछ में बताया कि वह लगभग 1.5 से 2 वर्ष से क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खिला रहा है। वहीं कमीशन पर आईडी वी मास्टर आईडी सट्टा खिलाने वाले को वह दिया करता था। मास्टर आईडी संजय खत्री, दिलीप खत्री, संजय सनपाल, राकुब गोपाल आदि के द्वारा दी जाती थी। वहीं मामले के अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। से पकड़ा गया है, क्या इसके कितने पैसे मिले हैं और क्या कर रही है? कल हमारे स्टाफ और क्राइम ब्रांच की टीम ने भ्रमण के लिए निकली हुई थी और आचार संहिता को ध्यान में रखकर तो शास्त्री ब्रिज के अपने कचपुरा ब्रिज के नीचे एक गाड़ी खड़ी थी, जिसको चेक किया उन्होंने तो उसमें राजेश परवानी करके हैं, उनके पास से कुछ सट्टे के मोबाइल और करेंसी बरामद हुई है बाहरी करेंसी, और जिन्हें अपराध पंजीबद्ध कर 4 का सट्टा एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। और कुछ और नाम आ रहे हैं, उसमें जांच चल रही है, जिसमें 109 के मुलजिम बनाए गए हैं। बात की जाए, इस समय वर्ल्ड कप मैच चल रहा है, सब सट्टा का भी जरूरत है, तो इसको रोकने के लिए क्या प्रतिबंध, हमें क्या रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है? पुलिस अभी पूरी सघनता से चेकिंग भी कर रही है कि जो सटोरिये है जो चल करके कार्रवाई करते हैं उस पर लगी है पुलिस, कार्रवाई करती रहेगी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।